हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं शेपर मशीन के बारे में। देखिए शेपर मशीन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स आपको बताऊंगा ताकि आपको जल्दी से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास है, देखिए रैम, ये होती है रैम, ये मेन पार्ट है जिसने मूव करना है। तो ये होती है रैम, यहाँ पे आता है ये टेबल, ओके, ये होती है बेंच वाइस, इसको आप इवन एंगल पे भी टर्न कर सकते हो, इस पे यहाँ पे एंगल ग्रेजुएट होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको एंगल पे मूव कर सकते हैं। और ये देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को आपको होल्ड करने के लिए यहाँ पे टूल होल्डर है, और इसको हम बोलते हैं क्लैंप बॉक्स। ये देखिए ये मूव कर सकता है, ये क्यों मूव कर सकता है आपको इवन मैं दिखाऊंगा, जब मशीन आपको चला के दिखाऊंगा। और ये मूवमेंट जो है आप मूव कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर और नीचे, ये देखिए ये ऊपर जा रहा है इस तरह से, मैंने इस तरफ मूव किया है तो ये ऊपर की ओर आप लेके जा सकते हैं टूल को, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्क पीस रखना है। और उसके बाद आप नीचे लेके जा सकते हो कि ये देखिए नीचे जा रहा है यहाँ पे टूल, तो इसकी मूवमेंट जो है इसके लिए। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप अगर आप, तो रैम की लेंथ की सेटिंग करने के लिए कि रैम हमें सेट करना है तो हम इसको मूव करेंगे। इसको मूव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये देखना आप इसकी मूवमेंट देखना, आप आगे की ओर लेके जा रहा हूं इसको, देखो आगे की ओर जा रहा है। तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, रैम की लेंथ की सेटिंग कर सकते हैं इसके बिना। और इसके अलावा इसमें जो मेन पार्ट होते हैं, यहाँ पे होती है मोटर, वो मोटर जो कनेक्टेड है मशीन के साथ, यहाँ फीड देने के लिए रॉड यहाँ पे है, इसे ये फीड देती है। ये यहाँ पे है टेबल, टेबल के ऊपर वाइस है जिसको ऊपर होल्ड किया गया है, ओके। हम देखेंगे तो ये देखिए आप इसको मूव कर सकते हैं और टेबल आप मूव कर सकते हैं, देखिए ये मूवमेंट हो रही है, आप पूरे टेबल को, टेबल की मोशन जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए। तो मैं वापस लेके जाता हूँ इसको, ओके, तो इसको मोशन इस तरह से देंगे हम, ये देखिए। और टूल जो है वो हम स्टार्टिंग पोजीशन पे लाएंगे और स्टार्टिंग पोजीशन पे यहाँ पे रोक देंगे। तो हमने क्या किया है, बस हमने क्या किया, टेबल इस तरफ मूव, इस तरफ मूवमेंट इसकी। तो ये करने के बाद हम इसको ऑन करने वाले हैं और आपको स्टार्टिंग कट लगा के दिखाएंगे कि इसका कट किस तरह से लगता है। तो ये देखिए, ओके, देखेंगे हम कट लग रहा है यहाँ पे, देखिए कटिंग जो हो रही है, कटिंग एक्शन होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक, और रिवर्स स्ट्रोक में आपकी कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो इसलिए जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है उसमें अगर टाइम लग रहा है तो रिटर्न स्ट्रोक क्विक होना चाहिए, इसको कहते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जिसके लिए अगर आप समझ जाते हो तो ऊपर लिंक दे रहा हूं इसका, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है टेबल का, देखो इसने तो मोशन इस तरफ करना है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करना है, लेकिन हमारे पास ये टेबल किधर कैसे मूव हो रहा है, तो वो इसके साथ मूव हो रहा है। ये देखेंगे आप मोशन दे रहा है, और मोशन देने ऑटोमेटिक जो है ये मोशन दे रहा है टेबल को, टेबल इस साइड आ रहा है और कटिंग जो है अपने आप चल रही है, हम तो नहीं कर रहे, कोई ऐसे नहीं है इसको मूव करो ये करो, नहीं टेबल अपने आप मूव हो रहा है। बाद आपको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यहां से देख सकते हो आप, तो आप देखिए यहाँ पे आइए देखेंगे तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यहाँ से दिखेगा आपको, तो जाते हुए टाइम ज्यादा आते हुए कम, ये देखिए। तो मोशन जो है इसकी कारण हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनता है, जिसको मैंने अलग से प्रोजेक्ट में आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो ये कटिंग कर रहा है, कटिंग एक्शन इस तरह से आप देख सकते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से किस तरह से होता है। तो ये हमारे पास शेपर मशीन थी, मैंने आपको बहुत ज्यादा नहीं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल बताने की कोशिश नहीं की, सिंपल है। हाँ ये है कि आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिली, क्लैंप बॉक्स है जैसे, अब क्लैंप बॉक्स इसलिए ऐसा दिया है ताकि ये मूव करे तो ये यहाँ से इस तरह से उठ सके। जब हम डीप कट लगाते हैं तो ये क्या करेगा, डीप कट लगाने के बाद जाते हुए तो कटिंग करेगा, आते हुए ये क्लैंप बॉक्स को ऊपर उठा देता है, ठीक है, इस तरह से मोशन करता है ताकि क्लैंप बॉक्स ऊपर की ओर उठ जाए। तो ये इस तरह से मोशन है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आएगी होगी। और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।